ज़्यादातर स्टोरीज स्कूल और कॉलेज में शुरू होती हैं और बहुत कम स्टोरीज कॉलेज के बाद तक टिक पाती हैं। कार्तिक एंड रानी पहली बार कॉलेज ITR में मिले थे और ऐसे ही मिलते मिलते उन दोनों को प्यार भी हो गया था। आज कॉलेज के आखिरी दिन में सबकी तरह इन्होंने भी कसम खाया कि साथ में रहेंगे, पर इनको कोई अंदाज़ा नहीं था कि ज़िंदगी क्या खेल खेलने वाली थी। हे गाइस, वेलकम टू STS, मैं हूं स्वप्नेश, आपका स्टोरी टेलर। वीडियो स्लो लग रहा है तो प्लेबैक स्पीड को इंक्रीज कर दीजिए, पर एपिसोड को आखिर तक ज़रूर देखना। हम दोनों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया इलेक्ट्रिकल ब्रांच से और सब की तरह मैं भी कैजुअल ही पढ़ाई कर रहा था ग्रेजुएशन के दौरान। अब जब मेरी ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ, मुझे पहली बार महसूस हुआ कि अब क्या, फिर लगा कुछ तो करना ही है। इस साल का मेरा गेट उतना अच्छा नहीं गया था कि मुझे कहीं पे MT की एडमिशन भी मिले, और PSC तो दूर की बात। तो मैंने डिसाइड किया कि एक साल प्रिपेयर करूंगा गेट के लिए और सब कुछ एक साल में अच्छे से पढ़ लूंगा। और उस तरफ रानी का भी ग्रेजुएशन कुछ अच्छा नहीं गया था, तो उसके पापा उसे बैंकिंग के लिए प्रिपेयर करने बोले। रानी के पापा थोड़ा स्ट्रिक्ट थे तो उन्होंने रानी को हैदराबाद भेज दिया पढ़ाई करने के लिए। और मेरे घर में उतना कुछ स्ट्रिक्ट नहीं है, तो मैं मम्मी पापा को कन्विंस कर लिया कि मैं भी हैदराबाद जाके प्रिपेयर करूँ, जिसके बारे में उसे मिल सकता था। तो हैदराबाद शिफ्ट होने के बाद हम रोज़ अपना क्लास जाते थे और फ्री टाइम में थोड़ा घूमने चले जाते थे। पढ़ाई में भी एक दूसरे को काफ़ी मदद किया करते थे, सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। हैदराबाद में रानी का भाई भी पढ़ाई कर रहा था, और जब हम घूमने कहीं जाते थे या मूवी देखने जाते थे तो रानी को बस एक ही चीज़ का डर रहता था कि उसका भाई ना देख ले। उसकी एग्जाम को करीब एक महीना बचा था और हम एक वीकेंड भाईजाक गए थे घूमने के लिए। बीच में घूमते घूमते यही डिस्कशन कर रहे थे कि बहुत कुछ पढ़ लिया है, अभी अब रिविज़न करना है, शॉर्ट नोट्स पढ़ना है, क्या करना है वगैरह वगैरह। थोड़ा और मस्ती की और वापस चले आए। मंडे इवनिंग को रानी मुझे कॉल करी और बोली कि एक प्रॉब्लम हो गई है, कल मेरा भाई भी भाईजाक में था और उसने हमें साथ साथ देख लिया है। और अभी पापा मुझे कॉल किए और बोले कि बोरिया बिस्तर बांध, कल मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। रानी बोली, कार्तिक मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। समझ तो मुझे भी नहीं आ रही थी कुछ भी, पर मैंने उसे बस काम रहने के लिए बोला और मुझे समझ आ गया कि एल लग गए। अगले दिन उसके पापा आए और उसको लेके कोरापुट चले गए। बाय द वे, कोरापुट उनका घर है। क्योंकि रानी का एग्ज़ाम नज़दीक था तो उसके पापा नहीं चाहते थे कि वो अभी डिस्टर्ब हो, तो उन्होंने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाया नहीं, सब कुछ वैसे ही रहने दिया जैसे था। और बस इतना ही कहा कि उस लड़के से बात मत करना, पढ़ाई पे ध्यान दो और एग्ज़ाम क्लियर करो। और रानी भी वैसे ही करती गई, उसने फ़ोन मैसेज कुछ भी नहीं किया, बस पढ़ाई पे अपना ध्यान लगा रही थी। पर फिर भी मिस तो वो करती थी बहुत। रानी के जाने के बाद मुझे भी हैदराबाद में और मन नहीं लगा, तो मैं भी भुवनेश्वर वापस आ गया और घर में पढ़ाई करने लगा। एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैसेज करी और बोली, बहुत मिस कर रही हूँ, मुझे एग्ज़ाम सेंटर में आके मिलोगे? मिस तो मैं भी उससे कर रहा था बहुत, और ये रिस्क तो मुझे उठाना ही था। रानी अमरीश पुरी के साथ BBSR पहुंच गई थी एक दिन पहले ही। अब मुझे मनी हाइस्ट जैसा कुछ प्लान करना था ताकि रानी के बाप मुझे पकड़ ही ना पाए और रानी से मुलाकात भी हो जाए। ये तो जाहिर है कि कार्तिक प्रोफेसर जितना तो जीनियस है नहीं, तो क्या वो सक्सेसफुली रानी से मीट कर पाएगा या फिर अमरीश पुरी उसे पकड़ लेगा? आप भी कमेंट में बताओ कि कार्तिक अपने मिशन में कामयाब होगा या नहीं। और एपिसोड देखने के लिए और नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए लाइक ज़रूर करना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना ताकि